खबर छपरा बिहार से, जहां नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने से एवं बांध के टूटने के कारण सारण के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पानापुर तरैया मनोहर मुकेश के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गया है, लोग त्राहिमान है। हालांकि अमन और सीओ द्वारा पूरी तरह से तत्परता दिखाई जा रही है, लेकिन जिला से सहायता आने में काफी लेट होने से लोगों के क्रोध का सामना भी अंचलाधिकारी सुशील कुमार को करना पड़ रहा है। अमनौर मुख्यालय पर बघा के लोग आकर उग्र हो गए थे, उन्हें भोजन की व्यवस्था एवं रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, लेकिन सीओ ने साफ तौर से कहा कि व्यवस्था तुरंत कराई जाएगी, तब जाकर लोग माने और भीड़ हटी। यही हाल अमनौर प्रखंड मकेर प्रखंड में सारे जगह अब देखने को मिल रहा है। धराहरा खुर्द शेखपुरा पंचायत, मनोहरपुर झकड़ी पंचायत, बसंतपुर पंचायत, हरनारायण पंचायत, कल्याण पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हजारों एकड़ की फसलें नष्ट हो गई हैं। लोगों के सामने शौचालय एवं खाने की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम कल से ही क्षेत्र में निकल पड़ी है। आज बसंतपुर पंचायत की ओर एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने जा रही है। वहीं मकेर जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जो कि मुजफ्फरपुर जाने का एकमात्र रास्ता था। हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। अमनौर हाता में एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ टीम कितनी मशक्कतों के बाद घर से बाहर निकाला, जिसमें थाना प्रभारी मौजूद रहे। साथियों की सक्रियता से महिला को सुरक्षित स्थान पर लाया गया, जहां अमनौर थाना प्रभारी एवं गर्भवती महिला से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। अभी एनडीआरएफ की टीम आपको लाने गई थी, क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह था? आपको डिलीवरी होने वाला है, कहाँ घर है आपका, क्या नाम पड़ेगा आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर लाइन छपरा। बिहार में जिस तरह से बाढ़ अभी आया है और सारण में भी बाढ़ काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बांध बहुत जगह टूटा है, इसको लेकर प्रशासन भी उदासीन है। असरक से लेकर गोपालगंज से लेकर अभी जो मैं मकेर मुख्य सड़क पर खड़ा हूँ, जो कि मुजफ्फरपुर जाने वाला यह मेन रोड है, ये पूरी तरह से अब बंद है। प्रशासन कहाँ है, क्या कर रही है, कोई पता नहीं है। यहाँ के लोग त्राहिमान है, साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ स्थिति अभी क्या है, दिखाई जब आप पूरी तरह से रोड यह ब्लॉक हो गया है और यह पानी इतना तीव्र गति से है कि यह काल के काल में कहाँ तक ले जाएगी, कितने लोगों को ले जाएगी, अभी तक कोई पता नहीं है। और प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल नजर होती हुई आ रही है। बिहार में क्या होगा, कैसे लोग जिएंगे, कोई पता पता नहीं है। आइए बात करते हैं राजद के नेता, क्या नाम पड़ेगा, क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति बहुत भयावह हो गया है, लोग मरने के लिए तैयार हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है, सौ लोग इनके भटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने हर पर अपना डेरा डाल का है, जनप्रतिनिधि लोग कोई नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहे हैं। लोग का हालत एकदम खराब है, पानी एकदम रफ्तार में बढ़ते जा रहा है, सब लोग डूब रहा है। खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, चारा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार एकदम की कमी हो गई है, सरकार तरफ से कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं हो सका है। कोई प्रशासन सीओ पीओ कोई नहीं आया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग सकता रहा है, रोड पर पड़ा हुआ है, लोग जहीं तहीं अपना पर्यटन चल रहा है, लोग कोई व्यवस्था नहीं है, नाव का भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार प्रखंड वीडियो से भी आग्रह है कि वह नाव की व्यवस्था कराएं, क्योंकि दोनों मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। मुजफ्फरपुर जाने के लिए आप लोगों को इधर से नहीं जाना है, फुलवरिया से लेकर मकेर तक पूरी तरह से पानी पूरी तरह से भर गया है। अब इधर से साफ रास्ता देख सकते हैं, अपने कैमरा के नजर से ऊपर से दिखाया जाए, पूरा रास्ता बंद है, पूरे रास्ते में पानी है, इसलिए कोई इधर से गाड़ी से भी ना आए। अब वहीं देखिए इसका इधर भी पूरा जलमग्न हो गया है। वहीं यहाँ से और एक लोग हैं, यहाँ की बातें रखेंगे, आइए क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या है? नहर का बांध है, तीन दिन से टूटा हुआ है, प्रशासन को रोज बांधता है, रोड टूटता है, वैसी व्यवस्था नहीं की जाती है, बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं और एक नहर का बांध नहीं बांधा जा रहा है। लोग पलायन को मजबूर है, कोई व्यवस्था नहीं है, हर लोग छाती तक पानी है, बताइए कहाँ जाइए, क्या नाम पड़ता है? सारण से
बात करते हैं, किस तरह का मामला था सर? ये प्रेग्नेंट महिला थी, इनको प्रसव होने की संभावना है, इसलिए इनके परिजन ने सूचना दिया। मैं एनडीआरएफ टीम को तो कल ही बुला लिया गया था, रात में रेस्ट करना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग एनडीआरएफ बता रहे हैं और इनके घर भेज के ले चलना है सर, कर दिया बुला लिया है। और क्या कर रहे हैं सर? अवती बाड़ी के घर हम बोले हैं, सीओ साहब सीओ साहब बोले कि जाइए वहीं पर आए सर। हाता के लोग आए हुए थे, इसको लेकर किस तरह की आपके प्रखंड से तैयारी है सर? अभी हाता के लोग आए थे के लिए कि हम लोग के खाने के लिए नहीं है, वहाँ पर सामुदायिक किचन हम अभी उनके लिए एक बनवा रहे हैं, जगह चयन कर लेते हैं, चयन करके आज हम लोग से सामुदायिक किचन चलेगा। एनडीआरएफ की टीम सर आ गई है, ये कहाँ कहाँ कुछ करेगी सर? अभी करेगा पूरे प्रखंड एरिया में जी सर, और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जैसे सर बहुत जगह तिरपालों की आवश्यकता है, इस तरह के लोग बहुत तरह से आ रहे हैं, दूसरे दूसरे लोग लेके चल जा रहे हैं। 700 पीस को दिया गया, 500 और आता है, 500 भी पीस दे दिया जाएगा, फिर डिमांड 1000 के और कर दिए है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सुशील कुमार, अंचल अधिकारी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।